मैंने अपने चैनल पे अब तक बहुत से स्टडी रिलेटेड वीडियोस डाल चुका हूँ। उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो में मैंने 8 सिंपल टिप्स शेयर किया था, जिसकी हेल्प से आप इजीली एग्जाम के एक दिन पहले एंड स्पेशली एक रात पहले इफेक्टिवली पढ़ के अच्छे मार्क्स और गुड परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। वेल, उस वीडियो को रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला, बट वो वीडियो देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सता रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि इन टिप्स को वो तभी इफेक्टिवली फॉलो कर पाएंगे जब वो एकदम फ्रेश हो गए एंड स्पेशली रात के वक्त उन्हें जरा भी नींद नहीं आएगी तब। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये डाउट था कि पढ़ाई करते वक्त वो अपनी नींद को कैसे अवॉइड करे, ऐसा क्या करे कि उन्हें नींद भी ना आए और वो फुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कर सके। वेल, इसी डाउट और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी मैं आपके साथ ऐसे 8 सिंपल टिप्स शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप पढ़ाई करते वक्त नींद को टोटली अवॉइड कर सकोगे और एकदम फ्रेश माइंड के साथ इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, कीप योर स्टडी रूम वेल लाइटेड। पढ़ाई करते वक्त जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते स्पेशली नाइट स्टडी के वक्त, वो ये है कि वो अपने कमरे की लाइट बंद करके एक टेबल लैंप या डिम लाइट में पढ़ते। अब ऐसा करने से कमरे का ज्यादातर पार्ट अंधेरे में रहता है और जिसकी वजह से कोजी रिलैक्सेशन टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएशन की वजह से आपको स्लोली स्लोली नींद आने लगती है और फिर आपका मन करने लगता है कि बेड पे जाके मस्त कंबल ओढ़ के सो जाओ। इसलिए स्टडी करते वक्त ऐसे कोजी टाइप एनवायरनमेंट को अवॉइड करने के लिए हमेशा अपने कमरे की लाइट ऑन रखा करो। टिप नंबर 2, सिट इन अ चेयर नॉट ऑन बेड। पढ़ाई करते वक्त आपकी सीटिंग पोजीशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आप बेड पे लेट के पढ़ाई करोगे तो आपको थोड़ी देर में सुस्ती आने लगेगी, जिसकी वजह से फिर आपको सोने का मन करने लगेगा। इसलिए बेड की जगह कुर्सी पे बैठ के पीछे टेका लगा के टेबल के सामने बुक रख के पढ़ाई किया करो और अपने बॉडी पार्ट्स का भी मूवमेंट रखा करो। इससे आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों एक्टिव और अलर्ट रहेगा और आपको फिर स्टडी करते वक्त स्लीपी टाइप फील नहीं होगा। टिप नंबर 3, अवॉइड हैवी मील्स। जब हम पेट भर के हैवी मील्स खाते स्पेशली बहुत ही ज्यादा तला हुआ और मीठा खाते तो थोड़ी देर के बाद हमारे अंदर सुस्ती आने लगती है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम फिर बहुत ही ज्यादा जमाई लेने लगते हैं, सुस्ताने लगते हैं और फिर इन दी एंड हमारा झपकी मारने का मन करता है। मोर ओवर, ऐसी सुस्त सिचुएशन में आपका आंख ओपन रखना और खुद को अटेंटिव रख के पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर जिसकी वजह से आप इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाते हो। अब अगर आप पढ़ाई करते वक्त ऐसी सुस्तड़ टाइप वाली फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो स्टडी के लिए बैठने से पहले हैवी मील्स और हाई कैलोरिक फूड को टोटली और स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। अब यहाँ मैं आपको भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बस पढ़ाई के 1-1.5 घंटा पहले एक सादा सा स्मॉल मील खाना होगा जो आपके अंदर पढ़ने के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा एंड एट द सेम टाइम आपको सुस्त टाइप भी फील नहीं होगा। टिप नंबर 4, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ट्राई करो कि पढ़ाई करते वक्त आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, क्योंकि इससे आपको 2 मेजर बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप ज्यादा पानी पीते हो तो ये आपके ब्रेन को हमेशा हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से पढ़ाई करते वक्त आपको सुस्ती नहीं आती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ज्यादा पानी पीने की वजह से आपको फ्रीक्वेंटली बाथरूम जाते रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको बॉडी मूवमेंट करना पड़ता है और फिर इसी बॉडी मूवमेंट की वजह से आपका माइंड अटेंटिव रहता है और फिर आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाते हो। टिप नंबर 5, टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। अगर आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो और रात में भी आप पढ़ाई करने वाले हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप दोपहर में थोड़ा सी सो लो। दोपहर में सोने की वजह से आपकी थकन दूर हो जाएगी, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा और फिर रात को पढ़ाई करते वक्त आपको नींद नहीं आएगी और आप एकदम अटेंटिवली पढ़ाई कर सकोगे। टिप नंबर 6, रीड आउट लाउड व्हाइल स्टडीइंग। पढ़ाई करते वक्त अगर आप बोरिंग और लो एनर्जी टाइप मूड और फीलिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ा करो। चिल्ला चिल्ला के नहीं, बस सिर्फ थोड़े हाई वॉल्यूम में पढ़ा करो। ऐसा रीड करो या ऐसे खुद को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो जैसे स्कूल में टीचर हमें एक्सप्लेन करती है। बेसिकली अपनी आवाज सुनने का मजा ही अलग होता है और ऐसा करने से आपको नींद भी नहीं आएगी, आपकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी और इससे आपकी लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होगी। टिप नंबर 7, लर्न बाय राइटिंग। अगर आप सिर्फ बुक में कंटिन्यूसली देख के पढ़ते रहोगे तो ये एक लैक ऑफ इंटरेस्ट टाइप सिचुएशन को क्रिएट करने लगेगा, आपकी एनर्जी लो होती जाएगी, आपको बोर होने लगेगा और जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको फिर नींद आने लगेगी। इसलिए स्टडी ड्यूरेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेटर होगा
कि पढ़ने के साथ आप लिखते भी रहा करो। जो भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो उसके पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो। ऐसा करने से आपका माइंड अलर्ट और अटेंटिव रहेगा, आपको बोर भी नहीं होगा, और जब आप आंसर को रिवाइज करोगे तो आपके नोट डाउन किए हुए पॉइंट से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टिप नंबर 8, अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट टॉपिक एट नाइट। दिन भर की एक्टिविटी से रात आने तक हमारा माइंड ऑलरेडी आधा थका हुआ होता है। अब ऐसे में अगर आप रात में पढ़ाई करते हो, कोई टफ चैप्टर पढ़ते हो या कोई डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये आपके माइंड को और भी ज्यादा इनएक्टिव और पूरी तरह थका देता है। इसलिए हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक्स को हमेशा डे टाइम पढ़ा करो, जब आपका ब्रेन पूरी तरह फ्रेश और एक्टिव होता है। और नाइट स्टडी में बेसिकली वो सब टॉपिक को कवर अप करो जो आसान हो, जो इंटरेस्टिंग हो और जो आपका फेवरेट हो। इससे आपको बोर भी नहीं होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी और फिर आप इजिली सभी टॉपिक को स्टडी कर सकोगे। सो टू कंक्लूड, अगर आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके अपने हर एग्जाम में एक्स्ट्रा और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इन 8 सिंपल टिप्स को कंटिन्यूसली फॉलो करो। देखो, नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन जब एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की बात आती है तो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना हमारे लिए एकदम कंपलसरी हो जाता है। अप टू एंड, अगर आपको ये टिप यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके जरूर बताओ कि पढ़ाई करते वक्त नींद को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो डेट वो भी इन टिप्स से बेनिफिट ले सके। और अगर आप ऐसी और स्टडी रिलेटेड और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।